आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि फांसी दी जाए। हालांकि वही ममता बनर्जी है, उन्हीं की वो पुलिस है जिन्होंने ये कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। अब वो हालांकि सड़कों पर उतर गई हैं, विरोध कर रही हैं और कह रही है कि पीड़ितों को न्याय मिले और इसी के साथ जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें फांसी की सजा मिले। पहले ही ये पुलिस मान करके बैठ गई थी कि दरिंदगी करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिस पर सवाल भी खड़े हुए कि आखिरकार ऐसा पहले से क्यों मान लिया गया था। लेकिन आज जब बीजेपी उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, तो उनकी तरफ से भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि जिन्होंने ये जुर्म किया है, जिसने ये जुर्म किया है उसे फांसी की सजा दी जाए। सियासत चरम पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, जहां पहले 8 अगस्त को जब ये घटना घटती है उस वक्त झूठ बोला जाता है परिजनों से, वो कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उनका शव अभिया का शव तक देखने नहीं दिया जाता है। और लगातार सुर्खियों में आकर के ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से बयान देकर के राम और वाम का नाम लेकर के चली जाती है कि जो कुछ भी हुआ अस्पताल में, जो तोड़फोड़ हुई है उसका आरोप भी लगा जाती है कि राम और वाम की राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और अब सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो धरने पर बैठी हुई थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन्हें उठा करके साइडलाइन कर दिया है, जबकि ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था क्योंकि कल 15 अगस्त था, तो देखते हुए 16 अगस्त को तय किया गया था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब एक तरफ कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी से, जहां ये पूरी घटना आजकल मेडिकल कॉलेज में घटी। अब वहां पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और यहां पर उतर करके ये प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ IMA ने लगातार हड़ताल का ऐलान कर दिया है, कल सुबह 6 बजे से रविवार सुबह तक ये हड़ताल होने वाली है 24 घंटे के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो एक तरफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जाए, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहाँ ये घटना घटी, वहाँ की राजधानी कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस और पार्टी के साथ मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जो कि पहले से तय था 16 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे शाम 4 बजे से, लेकिन उनके प्रदर्शन को किस तरीके से कुचला जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी का ये मार्च देखने को मिल रहा है, जहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है और फांसी की मांग भी की जा रही है। CBI हालांकि इस पूरे केस को टेक ओवर कर चुकी है, CBI ने पूछताछ भी शुरू कर दी है, 5 रेजिडेंट डॉक्टर से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। जो वर्तमान प्रिंसिपल है उन्हें भी कल पुलिस अपने साथ लेकर के गई थी, और आज जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष उन्हें भी अपने साथ लेकर के गई है, डिटेन किया गया है। उन सबसे पूछताछ होगी कि आखिरकार पहले इस मामले में क्यों कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, उस वक्त किसी भी तरीके से ये चीज़ें सुनिश्चित क्यों नहीं की गई कि जो सबूत है वो मिटाया ना जा सके। और कोलकाता रेप केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और एक विस्फोटक खुलासा इस मामले में हुआ है। दरअसल पीड़िता के एक सहयोगी की संलिप्तता भी इस मामले में सामने आ रही है, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं ये कि इस पूरे मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अस्पताल स्टाफ पर कई आरोप लग रहे हैं, और क्योंकि पीड़िता का जो सहयोगी है अगर उसकी संलिप्तता की बात जो सामने आ रही है वो सच है और इसके सबूत मिलते हैं, तो सीधे सीधे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठेंगे कि अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले में कई चीजें छिपाने की कोशिश की कि अस्पताल का स्टाफ या अस्पताल के लोगों पर उंगली ना उठे, इसीलिए इस मामले में चीजें छिपाने दबाने की कोशिश की गई। और जिस तरह से 15 अगस्त को यहाँ तोड़फोड़ हुई है, रात को 1 बजे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठेगा ही कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला था, कौन कौन लोग हैं उनके बारे में भी अस्पताल प्रशासन जानता है, उनको बचाने और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई पहले भी और अभी भी कई लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को, खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मृतका के परिवार ने CBI टीम को यह जानकारी दी है, और अगर इसके सबूत मिलते हैं तो RGK अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि RGK के कुछ फिजिशियन और इंटर्न पर आरोप लगाया है पीड़िता के परिवार ने कोलकाता रेप मर्डर केस में। यह बड़ा विस्फोटक खुलासा है जिसमें CBI अब तमाम सबूत खंगालेगी। तो लगातार देखने को यह भी मिल रहा है कि देश भर में डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहा है, और अब ऐसे में निर्माण भवन के बाहर भी डॉक्टर पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। हमारे सहयोगी गणेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं।
कलकत्ता में हुई घटना को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर पहुंच गया। इससे पहले दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन डॉक्टरों के हाथ में जो पोस्टर बैनर है उसमें लिखा हुआ है नो मर्सी फॉर द रेपिस्ट। इस तरीके से देखिए एक और पोस्टर लिखा है जिसमें लिखा है ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर रेप्ड बाय द मर्डर RKG मेडिकल कॉलेज। तमाम इन लोगों के हाथों जिस तरीके से अलग अलग पोस्टर बैनर है, इन्हीं डॉक्टरों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मांगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से अलग अलग देश के अस्पतालों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे बहुत बेसिक सी हैं। जो ब्रूटल गैंगरेप हुआ है, सबसे पहले तो हम उसके लिए जस्टिस चाहिए। दूसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, वो इमीडिएटली लाना चाहिए। अब बहुत हद पार हो गई है, सरकार हमारी मांग जल्दी से जल्दी माने, जिससे कि हम लोग भी नहीं चाहते कि स्ट्राइक ज़्यादा हो। हम लोग बस अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं, जैसे मांगे पूरी हो जाएंगी ये स्ट्राइक भी हम लोग इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। उम्मीद है जिस तरीके से CBI की जांच आदेश दिए गए हैं, जाँच भी अब शुरू हो चुकी है, आप लोगों की मांग पूरी होगी? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं हमें कोई, क्योंकि पहले ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसे इंसिडेंट है जिसने लोगों को जगाया है। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक्स पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये एक जेंडर प्रिडिस्पोजिशन हम नहीं कर सकते, इसलिए हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन के लिए उतर पड़े हैं, आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि लगातार CBI की जाँच के लिए चल रही है, जाँच भी हो रही है, अब आप स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर भी? सर, जो इनिशियल पार्ट था, इट स्टार्टेड द मोमेंटम गेन्ड बिकॉज ऑफ दैट डेथ, दैट रेप विच हैपेंड ऑफ आर को डॉक्टर। पर अभी जो पॉइंट आ गया है वो है CPA का, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत नेसेसिटी है टाइम का। जब हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तब भी ऑन गोइंग कंटिन्यूस असॉल्ट है डॉक्टर पे, तो अगर अभी भी नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? और कल देश भर में IMA का प्रदर्शन है। बता दें आपको कि कल शनिवार से प्रदर्शन की शुरुआत होगी और ये प्रोटेस्ट रेणी डॉक्टर के साथ रेप मामले में ही किया जाएगा। कल यानी शनिवार से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी और रविवार सुबह 6 बजे तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। IMA का देश भर में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन है और नाराजगी एक ही बात को लेकर, नाराजगी इसी बात को लेकर कि एक ट्रेनी डॉक्टर अपने अस्पताल के भीतर भी, जहां वो काम कर रही है वहां भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर कुछ बाहर के लोग घुसकर उसके साथ रेप करते हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है पीड़िता के परिवार की ओर से कि अस्पताल का स्टाफ भी इसमें शामिल है, जिसमें कुछ फिजिशियन और कुछ इंटर्न का नाम भी उसके परिवार के लोगों ने लिया है और वो कह रहे हैं कि उनसे भी पूछताछ की जाए, इस एंगल पर भी पूरे मामले की जांच की जाए। और अब IMA भी प्रदर्शन करेगा इस पूरे मामले में। एक तरफ देश भर में जगह जगह डॉक्टर सड़कों पर हैं और लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इस मामले में सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब IMA भी पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा। कल पूरे देश भर में IMA का प्रदर्शन होगा और रविवार सुबह 6 बजे तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा, यानी कि यह हड़ताल करीब 24 घंटे की होगी। कल से इस हड़ताल की शुरुआत होगी और 24 घंटे तक हड़ताल पर रहेंगे। बांग्लादेश से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा उनके द्वारा दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हाल बने हुए हैं, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ये दुख भी जाहिर किया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और आज ही मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है।